हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, बहुत सारे फार्मरों का एक सवाल होता है कि जो कार्प फैमिली की एक मछली है, कॉमन कार्प, जिसको हम चाइना गोल्डन के नाम से भी जानते हैं, उसकी एक न्यू वेराइटी आई है अमूर कार्प। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जय अमूर कार्प नई वाली नई नस्ल और कॉमन कार्प पुरानी नस्ल, इन दोनों में फर्क क्या है। लोगों को प्रेशर किया जाता है कि आप अमूर कार्प की फार्मिंग करिए, तो आखिर अमूर कार्प की फार्मिंग करने में हमें कॉमन कार्प के मुकाबले कितना अधिक प्रॉफिट होगा, दोनों में क्या डिफरेंट है, इस चीज को लोग जानना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम आपको अमूर कार्प और नॉर्मल कॉमन कार्प में क्या डिफरेंट है, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि अमूर कार्प और कॉमन कार्प में क्या फर्क है। देखिए, जो कॉमन कार्प है, तो कॉमन कार्प का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता था कि कॉमन कार्प में बिना टाइम के उस मछली के पेट में अंडे हो जाते हैं। तो पेट में जब उसके अंडे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मछली का ग्रोथ होता है वो तब तक के लिए रुक जाता है जब तक कॉमन कार्प ब्रीडिंग ना कर दे। जब तक कॉमन कार्प ब्रीडिंग ना कर दे, तब तक के लिए ग्रोथ रुक जाता था। तो जब तक कॉमन कार्प ब्रीडिंग करती थी, तब तक कल्चर, पूरा साल भर का कल्चर खत्म हो जाता था। ये दिक्कत होता था। और कॉमन कार्प को स्टैंडर्ड बनाने में बहुत दिक्कत होता था। कोई अगर स्टॉकिंग कर रहा है तो 100 ग्राम 150 ग्राम की कॉमन कार्प है, उसके पेट में अंडे हो जा रहे हैं, अंडे होने के बाद उस मछली का ग्रोथ लगभग ना के बराबर होता है, रुक जाता है। तो इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए एक कंबाइंड सीफा द्वारा एक नई नस्ल का नस्ल विकसित किया गया कॉमन कार्प का, जिसको नाम दिया गया अमूर कार्प। तो इसमें क्या है, ये पुराने कार्प कॉमन कार्प के मुकाबले 42% एक्स्ट्रा ग्रोथ है, 42% ज्यादा तेजी से बढ़ती है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, इस मछली के अराउंड पे कम से कम साल भर के अंदर इसके पेट में अंडे नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, मछली लंबी लंबी रोहू के आकार की होती है। तो इस वजह से अमूर कार्प जो नई वैरायटी है, मार्केट में ज्यादा चलन में चल रहा, तो जो ज्यादा चलन में चल रहा उसके कॉमन कार्प को ही अमूर कार्प बता करके बहुत सारे जगहों पर ठगी भी हो रहा है। वो प्योर अमूर कार्प नहीं हो रहा है, या कहीं हो रहा है कि 50% अमूर कार्प 50% कॉमन कार्प, कहीं हो रहा है 20% अमूर कार्प 80% कॉमन कार्प, इस तरीके से हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको प्योर अमूर कार्प का सीड मिल जाए, तो अराउंड फिगर में मान के चलिए अगर 3 इंच साइज का सीड है, तो वो 7-8 महीने में आप उसको 3 पाव से लेकर के 1 kg तक बड़े आराम से ले जा सकते हैं। बस अतः डिपेंड करता है कि आपके तालाब की डेंसिटी क्या है, मिट्टी क्या है, बहुत सारे बातों पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया। तो हमारी भी आप फार्मरों से रिक्वेस्ट है कि 2 पैसा 1 रुपया ज़्यादा दे करके वो अमूर कार्प की फार्मिंग करें, कॉमन कार्प के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपकी सारी मेहनत को बेकार कर सकता है कॉमन कार्प, क्योंकि दाना खिलाते रहे असल में उसका ग्रोथ नहीं होता। जो 600 ग्राम होना चाहिए वो 200-250 ग्राम पे टिक जाती। तो कहीं भी वो प्योर अमूर कार्प की फार्मिंग करिए। तो यही जो मेन डिफरेंट है कॉमन कार्प और अमूर कार्प में, यही है, इसके पेट नहीं निकलते हैं और 42% एक्स्ट्रा ग्रोथ है। बाकी सारी चीजें सेम है, बॉटम लेयर की मछली ये भी है, उसका जो खान पियान है, इसका जो सारी चीजें सेम है, देखने में भी सेम है, फर्क यही जो मेन फर्क है यही दो है। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% समझ में आ गया होगा कि कॉमन कार्प और अमूर कार्प में क्या फर्क है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास के जिलों से बिलोंग करते हैं, जैसे हम यूपी के महाराजगंज जिले से हैं, तो इसके आसपास के 200-300 किलोमीटर के आसपास से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप हमसे अमूर कार्प का प्योर सीड या फिर जयंती रोहू का प्योर सीड हमसे ले सकते हैं, फिर सीड भी ले सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं,
ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, तो सारी सुविधाएं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कंटेक्ट कर से ले सकते हैं। तो किसान भाई अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।